दिल्ली नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। उम्मीदवार जहां मौका मिले वहां पहुंचकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुबह सुबह मानसरोवर पार्क के पार्क में आए आम आदमी पार्टी के रामनगर वार्ड के उम्मीदवार अशोक गौड़। वहां बैठी जनता ने किए उनसे सवाल। आपने समझ व्यायामशाला में मार्च 2015 में कहा था, मैं सही को गलत करने आई हूँ। जो आपकी समस्या आपने बताई, आपकी मदद के साथ आपकी साथ चीजों को समझ कर मैं उसमें पूरी तरह काम करूँ, ये मैं वादा करता हूँ। अशोक गौड़ ने भी मंझे हुए नेता की तरह अपनी बात कही। बिल्कुल सरकार ने सारे वादे किए थे, वाईफाई लगवाएंगे कहा था, बिजली हाँ पानी माफ करेंगे कहा था, और बाकी भी सरकार की बहुत सारी वादे हमारे 70-75 ने वादे किए थे। आदमी काम करने वाले की इज्जत होती है, पार्टी की इज्जत नहीं होती। तो पहली चीज ऑक्सीजन थी इस दिल्ली के लिए, हमने सबसे बड़ा वादा था बिजली हाँ पानी माफ, वो सरकार ने निभाया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी समाज किसी घर किसी देश किसी वर्ग के लिए जो होती है वो शिक्षा होती है, वाईफाई नहीं होता। उसमें भी आपने बहुत अच्छा काम, वाईफाई होता ही नहीं है, स्कूल होता है जी, एज ए स्कूल बना दो कि बच्चे पढ़ लिख लें, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लें, अच्छे स्टैंड खड़े हो जाएं, घर को भी खड़ा कर सके, समाज को भी खड़ा कर सके, एक अच्छा माहौल बना सके, वो वादा हमने निभाया है। कुछ वादे हुए, कुछ इरादे हुए और नेताजी चल पड़े अगले पड़ाव की ओर।